हड़ताल या हड़ताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर है। क्या कह रहे हैं रेजिडेंट्स, डॉक्टर सुनिएगा। वहाँ पे जाना पड़ सकता है क्योंकि ऐसे हाई रिस्क केस में कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। मरीज के परिजन खुद वहाँ जाने लगे तो ये स्थिति क्रिएट हुई कि हम वहाँ जाएं। ऑफिशियली उन्होंने कहा था हमारे रेजिडेंट चिकित्सक ने वहाँ भी भर्ती कर देंगे। ये हर एक डॉक्टर का एसएमएस का सब जगह समझाना होता है, मरीज की रिस्क किस कैटेगरी की है वो रिस्क उसको समझाना होता है कि ये सारी रिस्क आपको आपको उनको बताना होता है कि भाई ये आपकी रिस्क है, इस तरह से है, फिर हम आपका ये इलाज स्टार्ट करेंगे। ये घटना हुई। अब हर बार की तरह क्या होता है कि उस मामले में कमेटी बनी, कमेटी बन के और वापस से एक रेजिडेंट चिकित्सक को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। ये मेन चीज़ जो सारी है ना, ये सारी खामियां जो होती हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं। क्या हम तो ये सवाल करना चाहते हैं सरकार से और कॉलेज प्रशासन से, क्या रेजिडेंट चिकित्सक को सस्पेंड करने से क्या ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? क्या इस चीज़ की गारंटी है कि कल को या आगे आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी? पहले भी इस तरह की घटना होती आई है, पहले भी हमारे दो रेजिडेंट चिकित्सक आज तक एपीओ चल रहे हैं, तब भी हमने ये सब एजिटेशन किया था। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी गलती है तो जो हमें करना है सस्पेंड नहीं, हमारी पीजी टर्मिनेट करो, हमारी गलती साबित तो करो। अगर हमारी गलती साबित नहीं होती है तो फिर केवल और केवल खाना पूर्ति के नाम पर रेजिडेंट चिकित्सक को आगे कर दिया जाता है और व्यवस्था में कोई चीज़ परिवर्तन होता नहीं है। जो रियल में दोषी है वो बच निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस चीज़ में नुकसान किसका हो रहा है? ये घटना कल परसों दोबारा होंगी, नुकसान तो अल्टीमेटली आमजन का ही हो रहा है। तो हमारा ये दहेज जो है ये ऐसा नहीं है कि आमजन को हम परेशान करने के हैं। पहले भी ये घटना हुई, आश्वासन मिला कि हम ये करेंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो रहा। देखो विरोध जाहिर ये है कि आज हमारे 5 साथी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम यहाँ डिग्री लेने आ रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, किसी के अंडर निर्देशन में काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये बलि का बकरा हमें बनाएंगे तो एक एक करके सबकी पीजी ये डिग्री खत्म कर देंगे। तो सब रेजिडेंट के मन में ये इतना डर पैदा हो गया है कि मैं जिम काम कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर ये लांछन भी लगाया जाता है कि मैं संवेदनहीन हूँ। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप दिन रात और यहाँ पे रिपोर्टिंग देखें कि अगर रेजिडेंट चिकित्सक इस हॉस्पिटल में संवेदनहीन है ना तो संवेदनशील कौन है? दिन रात आप सबने हमेशा देखा कि रेजिडेंट चिकित्सक इस एसएमएस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो है वो रेजिडेंट ही है। कोई भी दिक्कत किसी मरीज को होती है सबसे ज़्यादा परेशान हम होते हैं, और उसके बावजूद भी खाना पूर्ति के नाम पे रेजिडेंट को बलि का बकरा बना दिया जाता है और वो सिस्टम चेंज होता नहीं है। तो हमारी लड़ाई इस बार ये केवल ये नहीं है कि हमारे रेजिडेंट को तुम बहाल करो, हमारी गलती है तो साबित करो और उसको पीजी खत्म करो। सोल्यूशन ये कि इस व्यवस्था चेंज होनी चाहिए और हम बताएंगे क्या क्या खामियां यहाँ पे, हम रिटर्न में देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हर लेवल पे। इस बार हमने ऐसा नहीं है कि तुरंत हमारे रेजिडेंट चिकित्सक को 3 तारीख को सस्पेंड कर दिया और हम काम बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हर एक प्रिंसिपल साहब के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, मंत्री जी के स्तर पे, हर स्तर पे हमने हमारा पक्ष रखा है, उसके बावजूद भी कुछ कोई ये नहीं निकला। हमने यही कहा है कि साहब ये व्यवस्था नहीं चेंज करोगे तो आने वाले दिन में फिर ये घटनाएं पुनरावृत्ति होगी। हर मरीज का नुकसान होता है, हमें दुख होता है इस चीज़ को। जब तक इन जो रियल में जो दोषी हैं उनको आप जब तक नहीं चेंज करोगे, उनको नहीं चेंज करोगे इस व्यवस्था को, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बदलाव होगा उसके बाद ही काम पर लौटेंगे। बिल्कुल, हर देखो काम पे लौटने की ये बात है कि काम चल रहा है, अभी भी सारी इमरजेंसी चल रही है। आप एक बार ये चीज़ें स्टेटमेंट लो, कितने सारे डॉक्टर्स एसएमएस में हैं, वो सब काम कर रहे हैं आज। रेजिडेंट केवल ये इनको लगता है कि रेजिडेंट तो संवेदनहीन है ना, तो रेजिडेंट आज डर के मारे काम पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं काम करूँगा, नियमों के खिलाफ जाके काम करते हैं। सब जगह एनएमसी के नियम है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होते, हर 7 दिन में हर एक डिपार्टमेंट में हर 7 दिन में एक छुट्टी मिलती है। कितनी बार ऑर्डर निकले, कितने रेजिडेंट डॉक्टरों ने हमारे सुसाइड तक किए हैं, ऑर्डर निकले कि हर 7 दिन में एक छुट्टी दी जाएगी, अधिकार है ये हमारा। 8 घंटे से ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं होगी, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे काम कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हो कि ये संवेदनहीन है और उनको सस्पेंड कर देते हो। तो इतना काम करने के बाद भी संवेदनशीलता है, उसके बाद भी अगर हमें बलि का बकरा बना रहे हैं तो इस डर के साथ कौन काम करेगा? हमने 4 दिन से खूब कोशिश करी, सबको ये कहा है, कोई भी रेजिडेंट, हर रेजिडेंट डॉक्टर के मन में ये डर बैठ गया है कि मैं इतना काम करने के बाद भी अगर मैं ही जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे कोई सस्पेंड करेंगे और हालात जस के तस रहेंगे। प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब को अवगत करा दिया है सारी चीज़ें। हमें तो ये करना है कि जब ये ही लोग, सारे ही लोग जो घटना होती है, तुरंत उस रेजिडेंट को बेला फुसला के कि तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, तेरी गलती नहीं है, तू ऐसा लिख दे वैसा लिख दे, और उस पर कार्रवाई कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। सर आप अपना गलती, हाँ आप अपना विरोध भी काली पट्टी बांधकर जता सकते थे, लेकिन जहां मरीज, क्योंकि आज काफी संख्या मरीज परेशान। देखो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये क्यों चीजें आ रही हैं कि केवल रेजिडेंट ही है? क्या तो ये प्रूव कर देना चाहिए कि एसएमएस हॉस्पिटल केवल रेजिडेंट के पीछे चल रहा है? सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं आमजन परेशान हो रहे हैं? क्या ओटी नहीं चल रहे, ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं और सारे इमरजेंसी चल रही है, सारे वार्ड चल रहे हैं? अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो क्या, इसका मतलब तो रेजिडेंट ही काम कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पर कोई काम हो ही नहीं रहा है।
पिछली बार दो दो घंटे हमने किया कि ठीक है आमजन हमारा जो काम कोई रिलीफ नहीं है उन बच्चों को।